नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिलिया और आज हम बात कर रहे हैं शुक्र और शनि की युति के विषय में। एक महाशोध के जरिए मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अपने पिछले 12-15 साल के तजुर्बे में मैंने पाया बहुत सारी कुंडलियों में शुक्र शनि की युति होती है। शास्त्र इसके विषय में कुछ अलग अलग भिन्न मत रखते हैं। कुछ बताते हैं कि ये दरिद्रता का योग होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार दरिद्र योग का सामना करना पड़ता है, यानी बहुत गरीबी के दिन देखने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर इसको प्रसिद्धि का बहुत अच्छा योग माना गया है दोस्तों, यानी माना जाता है कि शुक्र शनि की युति अगर किसी की कुंडली में हो तो वो अवश्य ही अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है। ऐसा हम फिल्म जगत की बहुत सारी अभिनेत्रियों की कुंडली में और अभिनेताओं की कुंडली में भी देखते हैं और पाते हैं। और अगर हम इसको काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये व्यक्ति विशेष की जो कुंडली बनेगी शुक्र शनि यानी 2 और 7 भाव यानी वृषभ राशि और तुला राशि से संबंधित होगी। साथ ही साथ ये मकर और कुंभ यानी 10 और 11 भाव से संबंधित होगी, यानी कि 2, 7, 10 और 11 भाव से संबंधित शुक्र शनि की युति बनेगी। अब अगर हम इसको देखें तो दूसरा भाव धन का है, 7वां भाव इमेज यानी प्रसिद्धि का भी है और आपका जीवन साथी का भी होता है, व्यापार का भी होता है, और 10वां भाव जैसा आप सब जानते हैं कर्म का होता है, और 11वां भाव लाभ का होता है। ये अकेली 2 राशियां हैं यानी मकर और कुंभ राशियां जिनका स्वामी जो बनते हैं शनि बनते हैं और वो लगातार आने वाली राशियों के स्वामी बनते हैं, बाकी कहीं भी ऐसा देखने में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सवाल था शुक्र शनि की युति का। तो जो मैंने अपनी एनालिसिस में पाया है या जो मैंने अपनी लाइफ में पाया है, यहाँ एक बहुत ही एक अजीब सा सूत्र मेरे हाथ लगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको कुंडली में देखें। जब भी किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र शनि की युति होती है तो बहुधा उसका जीवन साथी उससे उम्र में बड़ा होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप ये चेक कीजिएगा, जब भी किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र शनि की युति होती है तो उसका जीवन साथी बहुधा उससे उम्र में बड़ा होता है। और मैं ऐसा बहुधा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा 100% तो नहीं होगा, लेकिन बहुधा बहुत सारी कुंडलियों में मैंने ऐसा पाया और लगभग मैंने जो है इसमें कम से कम 1,500-2,000 कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं। और इस आधार पे मैं स्पष्ट प्रिडिक्शन देता हूं, जब मैं कुंडली देखता हूं किसी पुरुष की कुंडली में तो मैं उससे जाते ही ये पूछ लेता हूं कि क्या उसकी पत्नी उससे आयु में बड़ी है, तो ऐसा मुझे 100% संभावनाओं में दिखाई देता है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर केन राव जो है वो ये माना करते हैं कि जब भी किसी कुंडली में 62% सूत्र लग जाता है तो वो हम फलित में रख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं उन्हीं का शिष्य रहा हूं, तो जब भी हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो अगर 62% से ज्यादा कुंडली में अगर ये बात लगती है यानी कोई सूत्र लगता है तो हम उसको निर्धारित कर लेते हैं। तो मेरा ये अपना शोध रहा है, रिसर्च रही है, जो मैं आपको 1,000-1,500 कुंडलियों के विषय में बता रहा हूं। जब भी किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र शनि का संबंध होता है यानी युति होती है या दृष्टि संबंध होता है तो उसका जीवन साथी उससे उम्र में बड़ा हो सकता है, ऐसा हमने 100% पाया है। वहीं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिलता है, यदि ये कुंडली में योग किसी स्त्री की कुंडली में यानी लड़की की कुंडली में हो तो उसका जीवन साथी उससे छोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये अजीब सी एक बात देखने को मिली, जब लड़की की कुंडली में ये होगा तो उसका जीवन साथी उससे आयु में छोटा होगा और जब लड़के की कुंडली में होगा तो उसका जीवन साथी उससे बड़ी होगी। तो आप सब भी देखिएगा और देखकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कुंडली विशेष मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे हमारा और भी शोध कार्य आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी एक बहुमूल्य जानकारी है जो शुक्र शनि के संबंधों के बारे में अजीब सा एक रहस्य खोल देती है। जहां तक मैंने शास्त्रों की बात आपको बताई कि प्रसिद्धि और दरिद्रता का योग इसको माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में आप ये चीज पा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कुंडलियों में हमने ये पाया है। लेकिन ये 2 विशेष बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि पुरुष कुंडली में ये योग बनेगा तो उसकी जीवन साथी उससे आयु में बड़ी होगी, और अगर स्त्री की कुंडली में बनेगा तो उसका जीवन साथी उससे आयु में छोटा होगा। आप सब भी अपनी कुंडली में लगाकर देखिएगा, और अगर आपको ये मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए वो कुंडली भेजने का भी प्रयास कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किशोर एस्ट्रोलॉजी के नाम से ये चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए। समय समय में हम आपको ज्योतिष की कुछ महाशोध जो कि हमारे द्वारा की गई है या कुछ ऐसे राज जो हमने ज्योतिष में पाए हैं आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। आप सबने हमने सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।